संबल के खंड विकास भेजोए की ग्राम पंचायत खजरा खाकम के राजस्व गांव बड़खेड़ा में अस्थायी आश्रय स्थल संचालित हो रहा है, जिसका खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा भेजोई में है। इस शाखा से चेक द्वारा 29 जनवरी को 20,000 रुपए पूर्व ग्राम प्रधान व निलंबित ग्राम सचिव द्वारा निकाले गए हैं, जबकि ग्राम प्रधान का कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त हो गया था और चैतन्य कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी अन्य किसी मामले में निलंबित चल रहे थे। दोनों ने हमसाज होकर 20,000 का चारा घोटाला किया है। मामले की जानकारी ग्राम पंचायत पर तैनात ग्राम सचिव ने अधिकारियों को दी है, जबकि DPRO कार्यालय से अग्रणी प्रबंधक संबल को 24 दिसंबर को निर्देशित किया गया था कि 25 दिसंबर के बाद यानी ग्राम प्रधान का कार्यकाल समाप्त होने के बाद किसी भी चेक, गौशाला, ग्राम निधि या छह खाते का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद भी बैंक ने चेक द्वारा भुगतान कर दिया। मामले में जिला पंचायत राज अधिकारी संबल जाहिद हुसैन ने चैतन्य कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अगर नोटिस का जवाब समय अवधि नहीं दिया गया तो ग्राम पंचायत अधिकारी को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सर, ये सचिव पे कार्रवाई की गई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ग्राम पंचायत खजरा खाकम विकासखंड बहजोई में एक अस्थायी गो आश्रय स्थल स्थित है। वहाँ पर तैनात रहे ग्राम पंचायत सचिव श्री चैतन्य कुमार, जो एक अन्य ग्राम पंचायतों के मामले में 4/11/2020 को निलंबित हो गए थे। उसके पश्चात ग्राम पंचायत खजरा खाकम से 15/12/2020 को 20,000 रुपये की धनराशि का एक चेक आहरित किया गया है, जिसकी शिकायत वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव और ADO पंचायत द्वारा की गई है। इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिव चैतन्य कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उत्तर प्राप्त होने पर या निर्धारित समय अंतर्गत उत्तर प्राप्त न होने पर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।